तो अब मैं जयपुर एंटर कर चुका हूँ। यहाँ से मुझे मेरा घर सिर्फ 10 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये मास्क मैंने इसलिए पहन लिया यहाँ पर क्योंकि जयपुर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया है। 30 किलोमीटर चलने के बाद में अब ये गाड़ी जो है ये मांग रही है खुराक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज मेरे पास है लैंड रोवर की डिस्कवरी स्पोर्ट और आज मैं इसे चला करके लेके जाने वाला हूँ जयपुर। मुंबई से तकरीबन 1200 किलोमीटर का रास्ता है और एक अर्जेंट ट्रिप मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपने डैड को वापस लेकर के आने वाला हूँ। तो डिस्कवरी स्पोर्ट जो है ये मेरी फेवरेट प्रीमियम SUV है और बहुत कंफर्टेबल है, तो मैंने ये गाड़ी चूज़ की है। तो इस जर्नी का लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगा और देखते हैं कि ये 1200 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कंफर्टेबल बड़ा SUV किस तरह से तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। विश मी लक। Many hours later. 8 बज चुके हैं और अगर मैं ओडो की तरफ देखूं तो अपने घर से लगभग 183 किलोमीटर्स आ चुका हूं। मुझे ये सफ़र शुरू करके लगभग 2.25 घंटे हो गए हैं और मैं सूरत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हूं अभी तक। मेरे ख्याल से मेरा जो टारगेट था 9:00 इन द मॉर्निंग सूरत पहुंचने का, वो मैं अचीव कर लूँगा, शायद उसे जल्दी भी पहुँच जाऊँ। और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट की तो बात ही क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल कार है, एकदम एफर्टलेसली चल रही है, बहुत ही कंफर्टेबल इसका सस्पेंशन है और जब आप इसे ज़रा तेज़ भी चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई गाड़ी को तेज़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोड होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही फास्ट पेस, बहुत ही रीअश्योरिंग, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और अभी तक मैं इस ड्राइव को थरली एंजॉय कर रहा हूँ। अगला अपडेट 1 घंटे बाद 9 बजे। दोस्तों 9 बज चुके हैं और मैं सूरत क्रॉस कर चुका हूं। तो जो टारगेट लेकर के मैं घर से निकला था सूरत क्रॉस करने के लिए, वो मैंने अचीव कर लिया है। इनफैक्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर ये रोड्स हैं और उससे बेहतर मैं एवरेज स्पीड्स मेंटेन कर पा रहा हूं। फुल मार्क्स टू NHAI फॉर मेंटेनिंग दिस रोड्स, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड, नाइस। और लगभग 260 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिए हैं। 3 hours 15 minutes हो चुके हैं मुझे और ये जो लास्ट स्ट्रेच था जब मैंने आपसे लास्ट बात करी थी उसके बाद मैंने एक छोटा पी ब्रेक भी लिया और एक टोल के ऊपर फास्टैग नहीं चल रहा था तो वहाँ पर कुछ और वक्त भी लगा। उसके अलावा जो रेगुलर रूट है उदयपुर होकर के जो जाता है, एक मेरे फ्रेंड से बात करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बेटर रूट अवेलेबल है। तो अब मैं वो रूट नहीं लूँगा, अब मैं लूँगा आबू रोड वाला रूट जो कि सिरोही होकर के जाता है और अपेरेंटली वो जो रूट है वो फास्टर है, तो होपफुली मेरा कुछ वक्त बच जाएगा और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो गाड़ी है ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा कंपेनियन बन के सामने आई है। यहाँ पर आपको 180 PS की पीक पावर मिलती है, 430 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। मिड रेंज इस गाड़ी का बहुत ही सॉलिड है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि बड़ा ही एफर्टलेस, बड़ा ही स्मूथ, बड़ा ही रिफाइंड इसका इंजन है। सस्पेंशन बहुत अच्छा है, सीट्स बहुत अच्छी है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को चलाते हैं। हाईवे के ऊपर ये बहुत ही एफर्टलेसली चलती है, आपको बहुत कंफर्टेबल रखती है। तो एक जो फटीक सेट इन होती है कुछ गाड़ियों के अंदर सीट्स अच्छी नहीं होने के कारण या फिर सस्पेंशन अच्छा नहीं होने के कारण, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। और ये मैंने अपनी रिव्यू में पहले भी कहा था कि ये जो प्रीमियम सेगमेंट है जहाँ पर आपके पास X5 है, BMW X3 है, उसके अलावा वोल्वो XC60 भी है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो गाड़ी है ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट सूटेड है। न सिर्फ ये एक बहुत अच्छा ऑफ रोड SUV है बल्कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 2 सीट्स भी मिलती हैं और उसके अलावा जो सस्पेंशन सेटअप है, ख़राब सड़कों के ऊपर चलने की जो कैपेबिलिटी है, जो स्मूथनेस है इंजन की, वो सब चीज़ें अगर आप देखें, फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप देखें, तो लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जो है एक बहुत ही आइडियल प्रीमियम SUV है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर जो ट्रिप है ये बहुत वक्त से चालू है, इसे रीसेट मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लग रहा था फ्यूल एफिशिएंसी का। तो ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 6400 किलोमीटर्स यहाँ पर एवरेज एफिशिएंसी 10.7 किलोमीटर्स
की दिखा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है इस तरह के बड़े इंजन बड़ी गाड़ी के लिए। और अगर आप हाईवे पे देखेंगे तो आपको 12-13 KMPL तक की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी से मिल जाती है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। और ये सफ़र जारी रहेगा, मैं आपसे मुखातिब होता रहूँगा हर एक घंटे में। अगली मुलाकात होगी 10 बजे, सूरत क्रॉस हो चुका है। अब मेरा जो अगला टारगेट है वो ये है कि ये थोड़ा जो ट्रैफिक बिल्डअप हो गया है, सुबह का वक्त है, लोग निकल के आ गए हैं, टू व्हीलर्स भी हैं, थ्री व्हीलर्स भी हैं, स्लो हो गया है ज़रा ट्रैफिक, ये ज़रा छट जाए तो मैं अपनी स्पीड फिर से ज़रा बढ़ा पाऊँ। फिर मिलता हूँ आपसे एक घंटे में। One hour later. दोस्तों अब बज गया है 10, यानी कि घर से निकल करके मुझे हो गए हैं 4 घंटे 15 मिनट। और जैसा मुझे मेरा ओडो बता रहा है, मैंने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है लगभग 330 किलोमीटर्स। और इसका मतलब यह है कि मेरी एवरेज स्पीड जो है ये 75 किलोमीटर्स पर आवर से ज़रा कम है, जो कि ख़राब नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं जाने वाला हूँ आबू रोड के थ्रू सिरोही होकर के, और सो फार सो गुड। Few inches later. तो दोस्तों अब मैंने यहाँ से टर्न ले लिया है, अहमदाबाद वाला जो रूट था वो छोड़ करके मैं हिम्मत नगर की तरफ जा रहा हूँ। और एक्सप्रेसवे से राइट लेते ही यहाँ पर चेकिंग हुई पूरी गाड़ी की, अंदर से बाहर से सब जगह से गाड़ी को चेक किया गया। इन लोगों ने देखा कि कहीं कोई लेकर तो लेकर के मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकर के नहीं आ रहा हूँ तो क्या पकड़ेंगे क्या। लेकिन अब जो रास्ता है ये 6 लेन नहीं है, थोड़ा ख़राब रास्ता आ गया, तो शायद मेरी एवरेज स्पीड भी ज़रा कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। तो दोस्तों अब मैं ऑलमोस्ट अहमदाबाद पहुंचने वाला हूं, और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर, ये एक रिलायंस का फ्यूल पंप है और साथ में एक रेस्टोरेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहां पर एक बार क्विक ब्रेक लिया जाए और यहां से फिर आगे की जर्नी शुरू की जाएगी। अब मुझे लगभग 6 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं मेरी जर्नी स्टार्ट करके, और मैंने डिस्टेंस तय कर लिया है लगभग 460 किलोमीटर्स। और ये जो पॉइंट है मेरे ख्याल से ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आगे मेरे ख्याल से डिस्टेंस वाइज लगभग इतना ही होना चाहिए, थोड़ा शायद ज़्यादा रहेगा लेकिन टाइम शायद ज़्यादा लगे क्योंकि रोड्स का मुझे मालूम नहीं है। और वहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है हमारा हमराही, हमारा हमसफ़र डिस्कवरी स्पॉट लैंड रोवर का, और देखने में भी उतना ही स्मार्ट है जितना चलने में। और अब वक्त आ गया है कि मैं बिना कोई और वक्त ज़ाया किए इस गाड़ी में बैठ जाऊं और आगे का रास्ता तय करना शुरू करूं। चलिए बज गए हैं दोपहर के 1-7 घंटे से कुछ ज़्यादा मुझे गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं, और मैं चला चुका हूँ लगभग 520 किलोमीटर्स। अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें तो जब से वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ है तब से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स, बहुत सारे राउंड अबाउट्स, और जो हाईवे की फीलिंग आ रही थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। पिछले 1-1.25 घंटे से मैं बहुत धीरे 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 चला रहा हूँ, और आई थिंक एवरेज स्पीड मेरे ख्याल से 50-60 से ज़्यादा नहीं रही होगी, बट फिर भी अगर आप ओवरऑल एवरेज स्पीड की बात करें तो 70 से यानी 70 से ज़्यादा है और 75 से ज़रा कम है, जो बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मैंने डिस्कशन किया मेरे दोस्तों के साथ में, उनका ये कहना है कि यहाँ से पालनपुर पहुँचने के बाद, पालनपुर मेरे ख्याल से यहाँ से और कुछ 80-90 किलोमीटर्स रहेगा, वहाँ पहुँचने के बाद सड़क जो है फिर से खुल जाएगी और मैं फिर से ज़रा स्पीड से चला पाऊँगा और टाइम जो है वापस क्लॉबैक कर पाऊंगा। हो गया है टैंक फुल कराने का,
लगभग 550 किलोमीटर चलने के बाद में अब ये गाड़ी जो है ये मांग रही है खुराक, और लगभग 50 लीटर फ्यूल इसमें जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये 50 लीटर डालने के बाद में जो बचा खुचा रास्ता है लगभग 600 किलोमीटर्स का, ये पूरा हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं होगा तो भी थोड़ा बहुत और फ्यूल डालना पड़ेगा। और फ्यूल एफिशिएंसी मुझे लगभग 11 किलोमीटर्स पर लीटर की मिली है इससे अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट भी मैं चला रहा था। बट ओवरऑल इस साइज़ के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। फ्यूल बनाने के साथ साथ एक छोटा ब्रेक भी हो गया मेरा, और यहाँ से आगे मेरे ख्याल से अब थोड़ा रास्ता ठीक हो जाएगा और एवरेज स्पीड बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको अपडेटेड रखूँगा, बने रहिए। हमने कहा कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। तो दोस्तों अब बज गए हैं 3 और पालनपुर को मैंने पीछे छोड़ दिया है, और जैसा मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ से मैं मेरे ख्याल से अपनी स्पीड जो है वो ज़रा बढ़ा पाऊँगा। मैंने गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डाल दिया है अब, और मैं अपनी ड्राइव एंजॉय करने के मूड में हूँ, क्योंकि मैं जब ड्राइव करता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट जो है उसे यूज़ करूँ। डे लाइट में आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आप दूर तक देख सकते हैं, और जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे होते हैं तो विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप एंटिसिपेशन के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि रात के वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए। सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी लाइट न सिर्फ आपको डेजल कर देती है, लेकिन जो आपकी विजिबिलिटी की रेंज है वो भी रात को कम रहती है, और आप उतना ही फास्ट चला सकते हैं जितना दूर आप देख सकते हैं। तो अगर आप एंटिसिपेशन पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और ये सोच के चला रहे हैं कि यहाँ तक तो मुझे नज़र आ रहा है उसके आगे का मैं सोच लूँगा, तो बहुत ही गलत बात है। आप एक ब्रिस्क पेस मेंटेन करिए, लेकिन आपकी जो विजिबिलिटी है जहाँ तक आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल कीजिए। और अगर आप ताबड़तोड़ चला रहे हैं बिना देखे कि सड़क ठीक नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से आगे भी ऐसी होगी, और आप स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, तो आप न सिर्फ अपनी खुद की बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। सूरज जो है वो सर पे चढ़ने के बाद अब अस्त होने की तरफ बढ़ चला है, और मेरे ख्याल से अब मेरे पास लगभग मैक्सिमम 4 घंटे और रहेंगे डे लाइट के। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी एवरेज स्पीड जो है उसे मेंटेन रखूँ, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जयपुर पहुँचूँ। सरकार, ये पालनपुर जाने के बाद आबू रोड के रास्ते में जो सड़कें मुझे मिली हैं, मैं क्या बताऊं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं अपने मन को कंट्रोल में करके बैठा हुआ हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप फ्लैट आउट जा सकते हैं, आप जितना फास्ट चाहें जा सकते हैं। बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेज यहाँ पे आपको मिलेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं, और मैं कैसे तो अपनी इंटेंशंस जो है उन्हें दबा करके बैठा हुआ हूँ। बहुत ही स्मूथ सरफेस है यहाँ पर, और रोड्स बहुत अच्छे से मार्क्ड हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत मज़ा आ रहा है। गूगल मैप्स की मानूं तो मुझे लगभग 4 hours 44 minutes और लगेंगे पहुंचने के लिए, लेकिन आई बिन बीटिंग दिस टाइम रेगुलरली। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं कि कितने घंटे हो गए, तो 12 आवर्स हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, 12 घंटे हो गए हैं और मैंने 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो 12 घंटे में अगर मैं देखने जाऊं तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़रा कम मेरी स्पीड है, जो कि आई थिंक एज एन एवरेज स्पीड काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं अगले 3-3.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाता हूं, तो मुझे टोटल 15 से 15.5 घंटे लगेंगे, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा टाइम है। बट अभी हम पहुंचे नहीं है, इट्स नॉट डन बिफोर इट्स डन, तो जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी अब ज़रा अंधेरा हो जाएगा, तो जब जयपुर पास आ जाएगा उसके बाद ही अगली बार मैं आपसे मुखातिब होता हूँ।
Eventually. तो दोस्तों अब मैं जयपुर एंटर कर चुका हूँ। यहाँ से मुझे मेरा घर सिर्फ 10 किलोमीटर दिखा रहा है और ये मास्क मैंने इसलिए पहन लिया यहाँ पर क्योंकि जयपुर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया है। यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। 9:20 हो गए हैं और मैं अब तक 1130 किलोमीटर तय कर चुका हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं 1150 किलोमीटर लगभग 16 आवर्स में तय कर चुका हूँ। 1150 किलोमीटर्स और ऑल दो ये बहुत हाई स्पीड नहीं है लेकिन मैं भी रिलैक्स तरीके से ही आया। मेरा टारगेट था कि आज बिना कोई स्टॉप लिए यानी बिना कोई ओवरनाइट हॉल्ट किए मैं ये ट्रिप कंप्लीट कर पाऊँ और मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबली हो गई। बट मुझे दाद देनी होगी इस गाड़ी की, मैं अभी भी बहुत फ्रेश लग रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई थकान बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। ऑब्वियसली 16 घंटे ड्राइव किया है तो एक हल्का सा फटीग फैक्टर है लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा गाड़ी चला चुका हूँ कि मुझे अभी इमीडिएटली रेस्ट चाहिए या मैं थक गया हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है जब आप एक बहुत ही अकम्प्लिश गाड़ी चलाते हैं तो आपको लॉन्ग डिस्टेंसेज जो हैं वो थकाते नहीं हैं और आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेज बिना किसी थकावट के बहुत ही तेज़ स्पीड से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिप कल रात को कंप्लीट हो गई और जो ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहता था वो पहली बात यह है कि आप बहुत तेज़ स्पीड से किसी गाड़ी को चला सकते हैं लेकिन एक लंबे डिस्टेंस पर क्या वो गाड़ी आपको कंफर्टेबल रख सकती है बहुत ज़रूरी है और उस मापदंड पर मेरे ख्याल से ये गाड़ी पूरी तरह से खरी उतरती है। कल इसे लगभग 16 घंटे चलाने के बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा फटीग महसूस नहीं हो रही थी जो कि मेरे ख्याल से बड़ी प्रशंसनीय बात है। जनरली 8-10 घंटे चला लेने के बाद आपको एक फटीग सेट हो जाती है और आप आराम करना चाहते हैं लेकिन कल इतनी देर तक गाड़ी चला लेने के बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे आराम की इमीडिएटली ज़रूरत पड़ रही है जो कि इस गाड़ी की सस्पेंशन, इस गाड़ी की सीट्स और इसका जो ओवरऑल पॉइज है उसके बारे में काफ़ी कुछ कहती है। अब जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, तो ये फेदर टच जो बटन्स हैं ये हालांकि यूज़ करने में काफ़ी ईजी है लेकिन कभी कभी इनएडवर्टेंटली ऑन हो जाते हैं। और कल मैं जब ये गाड़ी चला रहा था तो एसी के कंट्रोल्स यूज़ करते हुए मैंने ये जो ATPC है इसे एंगेज कर दिया इस तरह से, या कभी हिल डिसेंट कंट्रोल इस तरह से ऑन हो गया तो सडनली जो रेव्स थे वो बहुत हाई हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल से ये कभी कभी आपको सरप्राइज़ दे सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो लेन कीप असिस्ट का बटन है ये भी कल मुझसे गलती से इस तरह से प्रेस हो गया था और हाईवे पर लेन्स बहुत क्लियरली मार्क थी तो मुझे एक दो बार ऐसा लगा कि ये गाड़ी ठीक से स्टीयर क्यों नहीं कर रही है। तो ये इस गाड़ी के संदर्भ में ही नहीं, मैं कुछ और गाड़ियों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ जहाँ पर ये सॉफ्ट टच बटन्स जो नए एंगेज किए गए हैं, इस तरह से सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ या क्रिटिकल फंक्शंस के जो बटन्स हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए जहाँ पर ड्राइवर को मालूम पड़े कि आपने कोई फीचर एंगेज या डिसंगेज करी है। इनएडवर्टेंटली अगर कोई फीचर एंगेज हो जाती है तो वो आपको एक सरप्राइज़ दे सकती है और हो सकता है कि कभी किसी किसी रेयर केस में सेफ्टी का इशू भी बन जाए। तो ये जो चीज़ है ये मैंने कल नोटिस करी बट अदरवाइज एज अ पैकेज, एज अ ड्राइव ट्रेन, एज यू नो अ वेल सेटअप सस्पेंशन, मुझे इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और भारतीय कंडीशंस के हिसाब से मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है ये इस प्रीमियम सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी पेशकश है और आपको डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही परिपक्व, बहुत ही अच्छे से बनाई हुई गाड़ी है जो कि बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है और कोई भी इसका ऐसा पैरामीटर नहीं है जहाँ पर ये कमतर हो, ये सारे कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। और ये जो ट्रिप मैंने करी ये इस बात का सबूत है कि एक बहुत लंबी बहुत फास्ट जर्नी करने के बाद में भी ये आपको न सिर्फ फ्रेश रखेगी लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस देगी कि आप इस तरह का एक लंबा डिस्टेंस अकेले भी तय कर पाए बिना किसी शक व शुबा के। उम्मीद करता हूँ कि ये ड्राइव व्लॉग आपको पसंद आया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और अगर आप में से कोई लोग बम्बई से जयपुर या दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हैं तो जैसा मेरे मित्र ने मुझे बताया और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, आपको रास्ता माउंट आबू वाला ही लेना चाहिए जो पुराना उदयपुर वाला हाईवे है, उससे ये रास्ता आपको कहीं ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।